इस बर्ड चीक को जब मैंने बॉक्स से निकाला तो इसका पूरा शरीर काम ही नहीं कर रहा था और ये बेबी इतना ज्यादा सूखा था कि बचने की उम्मीद ही काफी कम थी। एक तरफ बर्ड हाउस में हम उस जीव से परेशान है जो अभी तक हमारे बर्ड हाउस का पीछा नहीं छोड़ रहा है। उस जीव को बर्ड हाउस से काफी दूर जाकर पानी में फेंकने के बाद वो बर्ड हाउस में दोबारा से कैसे आया? क्या कोई दूसरा भी जीव है जो ये सब कर रहा है? इस छोटे से बेबी को तो हम रूम पर ले आए, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत थी इसके खाने को क्रॉप में कैसे पहुंचाएं। बड़ी मुश्किल से हमने इसको फीड तो दे दिया और लगता है इस बेबी के एक आईज में भी प्रॉब्लम है। वहीं आज बर्ड हाउस के बाहर तो बगीरा काफी सुस्त लग रहा है, मानो उसका आज मन नहीं कर रहा है खेलने का। इस कॉकटेल का क्या हुआ जिसके पोटे में हवा भर गई थी? अब आप देख सकते हो बेबी कितना बड़ा हो गया है और कमेंट में इस बर्ड का सही एज बताने वाले 5 विनर को बर्ड मिलेगा। दोस्तों बर्ड हाउस तो अभी तक सेफ नहीं है, पर कोशिश पूरी है कि अदरस जीव से बर्ड हाउस को जल्दी से निजात मिल जाए।